बड़ी खबर आपको बताएं कि 15 अगस्त के दिन सुनीता अरोड़ा नाम की एक महिला ने कश्मीर के लाल चौक पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया। सुनीता का वीडियो जिसमें कश्मीर के लाल चौक पर वो भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रही हैं, सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। वीडियो में सुनीता लगातार भारत माता की जय के नारे लगाती नजर आ रही है। उसके आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी लोग खड़े हुए हैं। महिला फोर्स वालों से कहती है कि वो लोग भी भारत के हैं और उनको भी नारे लगाने चाहिए। सुनीता अरोड़ा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने। कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराना, भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना वहां पर बहुत मुश्किल काम होता है। जो आतंकवाद इस समय चल रहा है कश्मीर में, खास करके लाल चौक का इलाका बहुत सेंसिटिव माना जाता है। जम्मू की एक लेडी सुनीता अरोड़ा, जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, अरोड़ा में उनकी शादी हुई है, वो हमारे साथ हैं। वो कल वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने तिरंगा भी फहराया और वहाँ पर भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे भी लगाए। सुनीता जी, पहला सवाल, क्या जज्बा लेकर गए थे और क्या परेशानी आई वहाँ पहुँचने में लाल चौक तक? सबसे पहले भारत की जनता और मेरे जम्मू कश्मीर की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं सुनीता अरोड़ा की तरफ से। रही बात जज्बे की, जज्बा आप जानते हैं कि एक मूल रूप से मैं कश्मीरी हूँ और उसके बाद मेरी शादी जम्मू के अरोड़ा फैमिली में हुई है, लेकिन कश्मीर में जो भी गतिविधियां हुई हैं, कश्मीर में काफ़ी कुछ आतंकवाद के दौरान हुआ है, तो मेरे मन में जो भावना है वो ये थी कि इतना कुछ हुआ कश्मीर में, लेकिन किसी ने आज दिन तक वहां जाकर झंडा नहीं लहराया या किसी ने कोशिश नहीं की कि उस माहौल को ठीक किया जाए। बस थोड़ी सी वो भावना है मेरे दिमाग में। दूसरा, मैं आपको ये भावना कैसे जागी, एक महीने से लगातार मैं एक बस बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ। पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करती हूँ, बहुत ज़्यादा उलझ गई पत्रकारिता में। जब ये सोचा कि कश्मीर में इतना सब कुछ हो रहा है तो कब हालात सुधरेंगे, कब हालात ठीक होंगे, उसके चलते मैंने अपने मन में ये तय किया इस बार मुझे लाल चौक तक जाना है, करो या मरो की नीति थी। मन में ये सोचा था अगर जिंदा रही तो कश्मीर के लिए कुछ करूंगी, अगर जिंदा नहीं रही तो तिरंगे में लिपट के आ जाऊंगी।